मतलब है कि पुलिस अब तय कर चुकी है, सरकार की तरफ से निर्देश है, दिल्ली पुलिस मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि सबको पता है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, कि अब यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटिए जाइए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, आप कुछ भी करते रहिए। सर बिल्कुल सही है, अब इनका जिस तरह से ये चीजें सब हटाई जा रही हैं, इनके पर ये जो है जो टेंट लगे थे वो हटा दिए गए हैं, और बजरंग ने अभी वीडियो पे आके बोला था कि हमारे टेंट हटा दिए गए हैं। अब सरकार की केवल और केवल ये मंशा है कि ये जो धरना चल रहा था इसको खत्म किया जाए आज ही, आगे ये धरना कंटिन्यू ना रहे इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्या ऐसी गुंडागर्दी कभी पहले इतिहास में देखी थी जो अब हम देख रहे हैं, जो एक तरफ लोकतंत्र की, इतिहास ने तो बहुत कुछ देखा है, इतिहास में बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत कुछ देखा है सर, लेकिन अपने चैंपियंस को ये जरूर है कि ओलंपियन ऐसे बैठी हैं, एक मांग को लेकर, मांग गंभीर है, आरोप गंभीर है, आरोपी सांसद है, यौन उत्पीड़न के आरोप है, उस मामले में पुलिस और सरकार के रवैये पर सवाल है। सर देश को ये जानना होगा कि ऐसा क्या है ब्रजभूषण में कि 7 लड़कियों ने उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करा दी, उसके बावजूद उसके ऊपर कहीं कोई सहमति नहीं हो रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा इन बच्चियों को ही दोषारोपित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर, इस जो ये जो अब चल रहा है, क्योंकि मैं गिरफ्तारी की तस्वीर लगे, कल की तस्वीर रात की मत लगाइए करण। हाँ जी, आज किस तरह से इन लड़कियों को घसीटा गया, जिस तरह से हम लोगों को बंधक बनाया गया, ये तानाशाही की तस्वीर हमारे सामने आ रही है सर। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ, ये कैसी हमारे, एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, इतने ऋषि मुनियों को देखा, क्या उन ऋषि मुनियों को नहीं दिखाई दे रहा है, जिस देश में बेटी की बात की जाती हो, देवी की बात की जाती हो, उस देश में वो बेटियां 35 दिन से बैठी हैं और एक शब्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या हो गया इस देश के लोगों को, ऐसा क्या हुआ हो गया हमारी सत्ता को, जिनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, और इस तरह से जुल्म किया जा रहा है सर इन बच्चियों के ऊपर। और अगर हमारे जैसे लोग इनके साथ आके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोगों को घरों में बंधक बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को भी जेलों में डाला जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कैसे धक्का मुक्की हुई है इससे पता चलेगा कि पुलिस ने कैसे तय किया था कि किसी भी सूरत में, फुल फ्रेम दिखा सकते करण, किसी भी सूरत में हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की जैसे गिरफ्तारी हुई, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये ट्विटर पर मौजूद है, ये देखिए। अब इससे समझिए कि पुलिस कैसे बल प्रयोग कर रही है, विनेश लिख रही है, महिला पुलिस है, और ऐसे साक्षी की तस्वीर है, मतलब एकदम मुकम्मल तौर पर पुलिस ने, पुलिस को इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी सूरत में इन्हें 100 मीटर दूर भी वहां से आगे न बढ़ने दिया जाए, चाहे धक्का मुक्की हो, चाहे जमीन पर गिरा के इनको पकड़ना हो, ये तिरंगा हाथ में है। और उसके बाद ये जब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई, तब की तस्वीर है साक्षी मलिक के ट्विटर हैंडल से, जो साक्षी मलिक ने ट्वीट किया। तो ये संतोष दहिया, अब तो ये लगता है कि अब ये धरना आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने या सरकार की तरफ से पुलिस ने अब वहां से तब्बू कनात भी हटाने की तैयारी कर ली है, कुछ हटा भी दिया गया है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, गिरफ्तार किया गया। अब सरकार की तरफ से सख्ती, ये संदेश है कि अब आप लोग अपना यहां से धरना समेटिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। सर क्या ये गुंडा राज है, एक तरफ संसद का उद्घाटन किया जा रहा है और एक तरफ हमारे चैंपियंस को इस तरह से घसीट के उनको खींचा जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है सर कि ये धरना खत्म, एक सेकंड रोकूंगा, जो तस्वीरें आ रही है लेटेस्ट वो मैं चाहता हूँ देखते रहे। ये तस्वीर भी है उसी समय की, धक्का मुक्की गिरफ्तारी के समय की तस्वीर है, साक्षी मलिक को जब पुलिस अरेस्ट कर रही थी, हिरासत में ले रही थी, इसको डिटेन करना जो भी आप मान लें, तो ये उस समय की धक्का मुक्की की तस्वीर है, सब ट्विटर के हवाले से कुछ वायरल वीडियो है, ये तस्वीर। वापस आते हैं संतोष दहिया के पास। संतोष दहिया सर, इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आई, इतने दिन इन बच्चों को क्यों बैठना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल है सर देश की जनता के सामने, क्या ऐसी सत्ताएं होती हैं जहां देश की चैंपियंस 35 दिन से बैठी हैं, इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि हमें इतना लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, और आज जिस तरह से धक्का मुक्की इनके साथ हुई है, जिस तरह से इनके टेंट उखाड़ दिए गए हैं, तो सरकार की मंशा ये है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन सर क्या ये आंदोलन खत्म हो सकता है इस पोजीशन में,
क्या सरकार को, आपने एक सवाल किया था जब तस्वीर भाई से बात कर रहे थे कि ये तारीख क्यों निश्चित की गई थी, सर ये तारीख इसलिए सुनिश्चित की गई थी क्योंकि जो नेता कानों में रुई डाल के बैठे हुए हैं, जो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, इन बेटियों ने रो ये ली, चीख ये ली, प्रार्थना इन्होंने कर ली, FIR इनकी दर्ज हो गई है, उसके बावजूद इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो सर आगे आदमी के पास क्या ऑप्शन बचता है? उसके बाद तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो वहां बैठा रहे और देखता रहे कि किस तरह से ये हमारी बात कब सुनते हैं। और हमने भी ये जो 28 तारीख का दिन रखा था वो इसीलिए रखा था कि इधर संसद का उद्घाटन करेंगे तो शायद हमारी बात उन बहरे लोगों के कानों में शायद पड़ जाए, इसीलिए ये दिन रखा था। लेकिन जैसा इन्होंने आज किया है, ये सर जो आज इन्होंने किया है, ये लोकतंत्र की हत्या में कील ठोकने का काम किया है। नहीं तो सर ये क्या इन बेटियों को बुला नहीं सकते थे? ये इनको बुलाते, इनसे बात करते। कल मध्यस्थता करने की बात हुई है सर, मेरे से खुद बात हुई है क्योंकि जो गवर्नर है ये हिमाचल के जो रहे हैं, देवव्रत आचार्य जी थे, सोमवीर सांगवान जी थे, इन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की है, अमित शाह जी से बात भी हुई है, इन्होंने मुझे जो बताया। लेकिन सर उनमें ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर कोई बात नहीं हुई, सबसे बड़ी समस्या ये थी। और वही एक मुद्दा था, जब वो मुद्दा ही इन्होंने दरकिनार कर दिया, उस पर कोई बात ही नहीं करनी, तो फिर समझौता कैसे होगा सर? तो वहां पर ये बात अटकी। तो मैं ये कह रही हूं, ऐसी कौन सी दुखती रग ब्रिजभूषण के पास है सरकार की कि सरकार नाम लेना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती? ये नौबत क्यों आई कि आज इस लेवल तक इन बच्चियों को वहां बैठा रहना पड़ रहा है? सर इतनी गर्मी है, प्रैक्टिस इनकी खराब हो रही है, इन्होंने अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया। सर कोई भी बच्ची इस लेवल तक जब कदम उठाती है वो तब उठाती है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इनके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब सरकार भी यही कर रही है सर, जो आज ये काम इन्होंने किया। एक सेकंड सुनिए, आपने एक अहम बात कही कि अमित शाह से मुलाकात हुई, मैं जरा समझना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कल रात को मैंने जो बयान सुना साक्षी मलिक का और विनेश फोगाट का, उन्होंने भी यही कहा कि लोग कह रहे समझौता हो गया, समझौता नहीं हुआ, हम अभी भी धरने पर हैं, हम कल संसद मार्च करेंगे संसद की तरफ। लेकिन विनेश और दोनों ने ये भी कहा कि लेकिन सरकार से हमारी बात हो रही थी लेकिन वो सहमति नहीं बनी गिरफ्तारी पर। तो ये बात हो रही थी, अभी आपसे पता चला कि अमित शाह से बात हुई, मैं जानना चाह रहा हूँ किससे किसकी बात हो रही थी? सर मैंने जी सर डेलीगेशन में सोमवीर सांगवान जी थे और मैंने खुद उनका फोन आया, बल्कि मेरे पास उन्होंने बताया कि मैं और गवर्नर साहब थे, हमने अमित शाह जी से बात करी और उन्होंने कहा कि एक महीने का समय दे दो, धरना उठा लो और सब चीजों पे सहमति हो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस धरने को नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने फिर साक्षी की मदर से बात करी, साक्षी से बात करी, उन्होंने कहा कि एक जो सबसे अहम मुद्दा है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हुई उस समझौते में, इसलिए वो समझौता नहीं हो पाया। हमने 28 का दिन इसीलिए चुना था सर कि ये समझौता कहीं ना कहीं इनके बीच में मध्यस्थता हो जाए और इन बच्चियों को इस लेवल तक संघर्ष ना करना पड़े, हमारी यही मंशा थी। लेकिन ये इसने तो कोई और ही रूप ले लिया, इन्होंने इनके अभी टेंट उखाड़ दिए हैं कि भाई ये आगे आंदोलन ही नहीं कर सकते। सर ये लोकतंत्र है, ऐसे नहीं रोक सकते। सर मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, महिलाओं की, लड़कियों की आहों पे, लड़कियों के आंसुओं पे, लड़कियों की चिताओं पे सर महल नहीं खड़े किए जा सकते, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं और इनको नहीं करना चाहिए। सर हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, जो इन आज ये काम कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। संसद का उद्घाटन इन्होंने किया, अच्छी बात है कि वहां जो लोग जाएंगे करेंगे, लेकिन सर उस संसद का क्या करेंगे जिस संसद में लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, जिस संसद में लोगों की भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, जिस संसद में लोगों को कुछ समझाई नहीं जाता, उस संसद का क्या करेंगे सर? नई संसद, पुरानी संसद भी ठीक थी, काम कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, पुरानी संसद में कोई कमी नहीं थी। अगर नई संसद को लेकर आए हैं तो सर अपने विचार भी तो कुछ ऐसे तो करिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना चाहिए, लेकिन सर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया जा रहा। 28 तारीख नहीं आने देनी चाहिए थी, अगर लोगों में, सरकार में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी इन बच्चों के प्रति होती तो 28 तारीख नहीं आनी देनी चाहिए थी, इनको बात करनी चाहिए थी, मध्यस्थता करनी चाहिए थी, और जहां तक भी इन बच्चों को जो भी जिस तरह से भी ये कन्विंस कराते इनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात नहीं कर पाए, इसको सिरे नहीं चढ़ा पाए क्योंकि एक ही मुद्दा है सर, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी, और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के सरकार बात नहीं करी। सर ऐसा क्या है ब्रिजभूषण में जो 7 लड़कियों ने उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करी है? पहले तो ये FIR दर्ज नहीं कर रहे थे,
क्योंकि गृह मंत्री के अंडर है दिल्ली पुलिस और उनके आदेश के बिना ये कुछ करेंगे नहीं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एफआईआर दर्ज कीजिए। सर पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कानून कहता है, उसके बावजूद सर कुछ नहीं हो रहा है, तो कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे सर लोग? हर आदमी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता, इतनी तो सर किसी की हिम्मत होती नहीं है कि हर आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी सर सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशंस हैं, वो भी कितने केस हैंडल करेंगे। तो सर ये तो सरकार को देखना चाहिए, जो आज जिस तरह सर मेरे घर अभी तस्वीर भाई दिखा रहे थे, ऐसे ही मेरे घर के बाहर भी महिला है, वो बेचारी बैठी है, कुछ जेंट्स भी हैं, वो बैठे पेड़ के नीचे। मैंने कहा भाई कम से कम तुम लोग अंदर बैठ जाओ, बोले नहीं मैडम आज अच्छी हवा चल रही है, तो उनको चाय खाना तो सर कोशिश रहती है कि ये हमारे ही बैठ भाई। एक बात बताओ संतोष जी, आपने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए थी और इनको भरोसा देना चाहिए था जो भी, तो अभी आपने कहा कि अमित शाह से बातचीत हो रही थी। सोमवीर सांगवान कौन है ये? मैं नहीं जानता। सर विधायक है ये, सर विधायक है ये। कहाँ के? सर भिवानी से, लोहारू के विधायक है भिवानी से। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सोमवीर सांगवान ने मध्यस्थता करने की कोशिश की अमित शाह और पहलवानों के बीच? जी, उन्होंने खुद मुझे बताया कि हमारी मध्यस्थता हो गई थी और ये खिलाड़ी पहलवान भी मानने ही वाले थे, उन्होंने बताया। लेकिन एक पॉइंट पे उनका पेच अटक गया कि ब्रजभूषण पे भी कह रहे अमित शाह ने कहा था कि एक महीने के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे, ये आश्वासन अमित शाह जी ने दिया है, वो बता रहे थे उनकी, उन्होंने जो मुझे बताया सर मैं वो बता रही हूँ। उन्होंने कहा अमित शाह जी बता रही है। ये सोमवीर सांगवान किस पार्टी के? बीजेपी के विधायक हैं सर, ये इंडिपेंडेंट हैं, बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है। हाँ चलिए, तो सोमवीर सांगवान इंडिपेंडेंट विधायक हैं, कहाँ के हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर ये भिवानी से है, लोहारू पड़ता है शायद इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोहारू है, भिवानी के विधायक है। हाँ सॉरी चरखी दादरी है। हाँ जी सर। हाँ चरखी, तो आपने कहा कि इन्होंने बात की अमित शाह से और उसके बाद मध्यस्थता की, अमित शाह ने कहा कि एक महीने बाद गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी धरना उठा है, पहलवानों ने कहा कि या उनकी तरफ से ये मांग थी कि नहीं पहले गिरफ्तारी हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ आपकी सर, बात? इसमें एक सवाल था, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन बच्चों ने जो खिलाड़ी है उन्होंने ये कहा अगर हम इस बात पे विश्वास करके आज धरना उठा भी लेते हैं तो हम कैसे विश्वास करें कि एक महीने के बाद आप गिरफ्तार कर लेंगे, और एक महीने में ऐसा क्या हो जाएगा कि एक महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? जब हम जनवरी में बैठे थे तब उसके बाद आपने समय मांगा था और हमने समय दिया, उसके बाद हमें दोबारा जंतर मंतर पर आना पड़ा दोबारा, तो हम कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें कि आप उनकी गिरफ्तारी करोगे एक महीने के बाद? सर आप देखिए ना कैसे क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं, एक महीने के बाद गिरफ्तारी क्यों होगी जिस कानून के तहत 24 घंटे के पोक्सो एक्ट में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसमें अभी भी वो कह रहे हैं कि एक महीने का समय दो, तो इसका मतलब लिपापोती वाली बात है, तो ये मानते भी कैसे? या तो वो गिरफ्तार करते ही है तो अपने आप ही मान जाएंगे सर खिलाड़ी, तो अगर वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो समस्या ही कोई नहीं है, गिरफ्तार वो कर नहीं रहे हैं, अब वो एक महीने का समय मांग रहे थे इसलिए वो मध्यस्थता हो नहीं पाई सर। तो मध्यस्थता एक बड़ी बात बता रही है संतोष दहिया, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने जरूर कल सुना था विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था लोग कह रहे समझौता हो गया लेकिन समझौता नहीं हुआ है, सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी लेकिन वो बातचीत अधूरी रही क्योंकि गिरफ्तारी पर सरकार तैयार नहीं थी। अब जो कह रही है आप डॉक्टर संतोष दहिया कि सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी के विधायक हैं उन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की लेकिन अमित शाह ने ये भरोसा भी दिया कि एक महीने बाद गिरफ्तारी हम कर लेंगे, ऐसा आप कह रही हैं जी बिल्कुल सांगवान के हवाले से, लेकिन ये मैं उनके हवाले से बोल रही हूँ सर, जो मेरी उनसे बात हुई उन्होंने ये कहा कि मैं अकेला नहीं था, आचार्य देवव्रत भी थे। अच्छा जी, तो अब ये बताइए तेजवीर सिंह, फिर तो ये सवाल उठेगा, लोग कह सकते हैं कि भाई चलो अगर अमित शाह भरोसा दे रहे हैं कि एक महीने बाद गिरफ्तारी कर लेंगे तो फिर एक महीने पहले अभी गिरफ्तारी की जिद करने की बजाय गृह मंत्री उनके भरोसे पर एतबार करते और इंतजार करते। सर कानून क्या कहता है? सर कानून तो ये कहता है ना सर, पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, और सर कितने महीने बीत गए हैं, 3 महीने बीत गए हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बारे में कोई बात करने तक तैयार नहीं है सर, बड़े बड़े चैनल जो अपने आप को कहते हैं सर वहां उनको डिबेट में बुलाया जाता है,
उनसे बात की जाती है, उनका पक्ष पूछने की बात की जाती है। सर वो ये कहते हैं कि लड़कियां अगर नार्को टेस्ट कराएंगी तो मैं नार्को टेस्ट कराऊंगा। सर कंडीशनल वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो सर ऐसे आदमी को जो पब्लिकली ये कहता है कि मैंने 302 के तहत किसी का कत्ल भी किया है, आप देखिए सर टाडा के तहत मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है, 40 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर पहले से दर्ज है, ये कोई नया मुकदमा तो है नहीं, उन कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये कैसे विश्वास करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वीडियो दिखाते रहिए रविंद्र, मैंने नया वीडियो भेजा है रविंद्र आपके पास। जी सॉरी सर, कल शाम को जब विनेश रोई है तो वो इतनी इमोशनल हो गई थी और उन्होंने ये संशय जाहिर किया था कि कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और सर आज वो हुआ। सर मैं तो ये पूछ रही हूँ, इतनी हृदय विदारक जो घटनाएं हैं आज जो इन बच्चियों के साथ जो किया है, क्रूरता इन लोगों ने दिखाई है, एक एक बच्ची के साथ 20-20 25-25 पुलिस वाली खड़ी है और उनको घसीट रही है जैसे ये कोई आतंकवादी है, हमारे चैंपियंस के साथ आज जो किया है सर, ये इतनी दुखद घटनाएं हैं कि इतिहास में दर्ज हो गई है और ये लोग याद रखेंगे, इनको नहीं बोलना चाहिए। सर क्या इनकी संवेदनाएं बिल्कुल मर गई है? ऐसी दमनकारी नीति तो कोई दुश्मन के साथ भी ना अपनाए जैसे ये हमारे चैंपियन के साथ करिए। सर सर इतना जितनी इमोशनल बातें इन बच्चियों ने कही है उसके बाद तो सर पत्थर भी पिघड़ जाता। ये कैसे दिल के लोग हैं कि एक तरफ जश्न मना रहे हैं और एक तरफ हमारी बेटियां रो रही हैं, और सर इस तरह से रो रही हैं, आज उनको इस तरह से घसीटा जा रहा है, आज इनको इतना इस तरह से दबाया जा रहा है। सर कुचल के किसी भी आंदोलन को नहीं रोका जा सकता, ये इनको समझना होगा, क्योंकि दमनकारी नीतियों से किसी आंदोलन को नहीं रोका जा सकता। मैं केवल इनको इतना बताना चाहती हूं कि सत्ता में न जाने कितने लोग आए, इन कुर्सियों पे बैठ के चले गए, उनका नहीं पता वो कहां गए, और ये भी बही लिखवा के नहीं लाए कि ये सारी जिंदगी इसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे या ये कोई दूसरा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इनको ये समझना होगा सर, ये अहंकारी नीति इनको छोड़नी पड़ेगी। ये तस्वीर विनेश फोगाट की है जो पुलिस हिरासत में दिख रही है। विनेश जोर जबरदस्ती से दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में महिला पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया। विनेश फोगाट दिख रही है, क्या विनेश फोगाट का वीडियो हम ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं? विनेश फोगाट, अब ये वो बेटियां हैं जो 35 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर हैं। आज एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, नई संसद का उद्घाटन, ऐतिहासिक दिन, दूसरी तरफ बेटियां पुलिस हिरासत में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को लेकर, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई। विनेश फोगाट की तस्वीर देख रहे हैं जब पुलिस हिरासत में। विनेश फोगाट, क्या उनका हम वीडियो सुना सकते हैं, उनकी आवाज तो एक बार सुनाते हैं, जब विनेश फोगाट को पुलिस डिटेन करके ले जा रही थी, क्या कहा विनेश फोगाट ने? आप सुनिए। दूसरी बस में लेके गए हैं, अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, एक्चुअल में तो हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं, वो ओखला की साइड बस मुड़ी है इतना पता है ना, तो लिख के दे रहे हैं, और हमारा फोन और छीनने की बात कर रहे थे, हमने फोन तो दिया नहीं है अभी तक, तो फोन हमारे हाथ में है और फोन और लेने की बोल रहे थे। देश बहुत तरक्की कर रहा है, खुशी हो रही है हमें बताते हुए पूरे देशवासियों को, देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज अगर पूरा देश नहीं जागा तो कब जागेगा? देश के किसान सड़कों पर बैठ के रो के चले गए, देश के जवानों को तो बोलने भी नहीं दिया गया, वो लोग तो घुट घुट के मार दिए गए बिल्कुल। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पर बैठे थे और उनको घसीट घसीट के अंदर लेके गए हैं, अगली बारी किसके आएगी पता नहीं है, लेकिन देश का संविधान बहुत सही जगह जा रहा है, इतिहास में भी लिखा जाएगा। ये दिन जब देश की संसद का उद्घाटन कर रहे थे, देश के नए संविधान को लिखा जा रहा था, तब एक साइड देश के कोने में खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। ये सुना विनेश फोगाट और संगीता को गिरफ्तार, जिंदगी में पहली बार सलाखों के पीछे जाते हुए पहलवान। ये बंदी पुनिया की आवाज है, इसकी आवाज है, और ट्विटर पर एक मेरा आप दोनों से सहयोगी और रिक्वेस्ट है, और इस पर ट्वीट जरूर कीजिए ताकि सेव किया प्रेरित किया जा सके। मैडम
ये विनेश फोगाट की तस्वीर है जब विनेश को ये। चलिए अब वापस लौटते हैं फिर से आपके पास ही संतोष दहिया। ये तस्वीर जरूर परेशान करने वाली है, अगर आप अपने घर में भी YouTube चैनल देख रहे हैं और आप टेलीविजन चैनल लगाएंगे तो दोनों में फर्क अभी ये दिखेगा कि हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण होंगे, जो भी नई संसद के लिए जो बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव महोत्सव था वो सब दिखेगा, लेकिन जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, जो इन बेटियों के साथ हुआ, जिस तरह से डिटेन किया गया, जिस तरह से 35 दिनों तक इनकी मांग नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, वो भी सुनना और जानना जरूरी है। संतोष दहिया जैसे साक्षी मलिक, विनेश या ये लोग जो अब 35 दिन तक बैठे हैं, पता नहीं पुलिस डिटेन कर रही हो, सकता है कुछ देर में पुलिस छोड़ दे, क्योंकि कोशिश यही होगी कि किसी भी ढंग से जो रंग में भंग ना हो आज कम से कम उसका छोड़ दे, लेकिन क्या उसके बाद भी ये लड़ाई अब ऐसे जंतर मंतर से पुलिस अगर समेट देती है जो तब्बू कनात और जाने नहीं देती है जो इरादा लग रहा है, तो फिर उसके बाद कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? ये इंतजार करना चाहिए जो अमित शाह ने कहा कि एक महीने इंतजार करिए। सर विनेश की जो कल वीडियो थी और आज जो आई है वीडियो, उसको देख के सर सूखी आंखों में भी पानी आ जाता है, लेकिन इनकी आंखों में पानी नहीं आ रहा सर, इन्होंने इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। ये कैसा हिंदुस्तान लिख रहे हैं, कैसी कैसी गाथा लिख रहे हैं, कैसा विश्व गुरु बना रहे हैं हमें, तो ये समझ में ही नहीं आ रहा सर। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं सर, क्योंकि हर महिला अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है सर। वो हर माँ बाप आज अपने बच्चों को जो स्पोर्ट्स में भेजते थे उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और खासकर लड़कियों को, कि तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर देश की जनता से एक सवाल करना चाहती हूँ, इन बच्चियों का कसूर क्या है? इन बच्चियों का कसूर केवल इतना है कि हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है, जो ब्रिजभूषण ने हम सब बच्चियों की अस्मिता के साथ खेला है, हम उसका जवाब मांगना चाहते हैं सरकार से। सर इनका केवल ये जवाब ही तो मांग रही है, ये न्याय ही तो मांग रही है सर। इनका ऐसा क्या कसूर है कि इनको इस तरह से हृदय विदारक घटनाएं जो हमारे सामने अब जो घटी है, जिन किस तरह से 10 महिलाएं आगे से खींच रही हैं और 10 पीछे से खींच रही हैं, जैसे इनको तोड़ा जा रहा है सर बीच में से, इस तरह से इनको घसीटा जा रहा है, उन बच्चियों को घसीटा जा रहा है। एक साधारण सिंपल बेटी की क्या औकात है इस देश में? अगर इन बेटियों की कोई बात नहीं सुन रहा तो किसी साधारण महिला की कोई क्या बात सुनेगा? ये सबके सामने एक बड़ा सवाल देशवासी के सामने सर ये खड़ा हो गया है, और मैं ये केवल इतना ये बताना चाहती हूँ, सरकार को भी ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से दमनकारी नीतियों से किसी आंदोलन को नहीं रोका जा सकता। अगर वो चाहते हैं इसको रोकना तो ब्रिजभूषण को सलाखों के पीछे ले जाएं और बात करें इन खिलाड़ियों से, इनके साथ मध्यस्थता करके इनकी बात सुने, इनके आंसू पूछें, इनके आंसू जब तक वो नहीं पहुंचते हैं तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा। इन्होंने टेंट बेशक इनके उखाड़ दिए हैं, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है सर। किसी टेंट के भरोसे इनका आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि आज हर बेटी अपने आप को साक्षी, विनेश और संगीता समझ रही है सर। तो ऐसे में ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इनको समझना चाहिए। एक तरफ लड्डू बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन बेटियों को घसीटा जा रहा है। क्या इतिहास इस बात का गवाही नहीं देगा कि वो दिन था जिस दिन संसद का, नई संसद का उद्घाटन हुआ, जहां इतने सारे जो गुरु कह लो इनको, इनको बाबा कह लो इनको, इनको प्रवचन बोलने वाले कह लो, जो भी कह लो, जो जो मंत्र इन लोगों ने यहाँ फूके हैं, अगर उनमें से एक मंत्र जो नारी की पूजा करने की बात ये लोग कहते हैं, अगर जरा सा वो एक शब्द भी इनके जहन में होता तो सर आज ये नौबत नहीं आती। तो सर मैं तो बस यही कहूंगी कि हम इन बच्चियों के साथ हैं, जैसे भी ये निर्णय लेंगे हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ये बेशक हमें रोके, हमें जो मर्जी सजा दे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं सर। एक साक्षी मलिक ने अभी 2:18 पर एक ट्वीट किया है, यौन शोषण करने वाला गुंडा ब्रजभूषण आज संसद में बैठा है, हमें सड़क पर घसीटा जा रहा है। ये आप सामने ट्वीट देख रहे हैं जो साक्षी मलिक ने किया है, इसमें 3 तस्वीर है और एक वीडियो है, 4 का वीडियो है। मैं हमारे सहयोगी जब तक वो वीडियो स्क्रीन पर लाएंगे तब तक मैं अपने मोबाइल से आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जिस ढंग से हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, वो मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो मेरे मोबाइल पर आप देख पा रहे हैं, साक्षी मलिक ने ट्वीट किया ये वीडियो। अब ये तिरंगा, अगर फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं करण,
तिरंगा लिए हुए साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं और संगीता हैं, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है। और इससे लग रहा है कि कितने मतलब पुलिस के पास बल प्रयोग करके भी एन केन प्रकारेन किसी भी तरह से इन्हें हटाया जाए, ये पुलिस के पास मैंडेट था या पुलिस को इसके अधिकार दे दिए गए थे कि कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में इन्हें वहां से हटाना है। ये तस्वीर मैं अपने ट्विटर पर जो साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है कुछ देर पहले, कहें तो लगभग 7-8 मिनट पहले, वो मैंने आपको दिखाया। और लगातार ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो जानकारी आ रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राकेश टिकैत का ट्वीट है कुछ देर पहले का, पहलवान बेटियों को जबरन सड़क पर घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को नहीं सुनाई दी। हमारी बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे, ये राकेश टिकैत का बयान है। और उसके बाद उन बेटियों को जिसमें संगीता फोगाट और विनेश फोगाट है, गिरफ्तारी की गई तस्वीर है। अब गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर और राकेश टिकैत के ट्वीट पर मेरी नजर होगी, कुछ देर पहले की तस्वीर थी, राकेश टिकैत के साथ किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। और गाजीपुर बॉर्डर वही बॉर्डर है जो यूपी दिल्ली को जोड़ता है, और गाजीपुर बॉर्डर पर भी पिछले दौर में मतलब 2021-22 में जब किसानों का आंदोलन चला था 13 महीने तक, तब गाजीपुर बॉर्डर पर भी हजारों किसान 13 महीने तक डटे रहे थे टिकरी और सिंघू के अलावा। टिकरी और सिंघू बॉर्डर हरियाणा की तरफ जुड़ते हैं जहाँ पंजाब और हरियाणा से किसान आते हैं, गाजीपुर बॉर्डर यूपी दिल्ली को जोड़ता है। तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं, ये राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर जो एक फ्लाईओवर है NH-24 उसके नीचे राकेश टिकैत हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं, मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि टिकैत और उनके साथ लोग हैं या नहीं। ट्विटर पर उन्होंने यही लिखा है कि हम डटे रहेंगे अपनी बेटियों के सम्मान की लड़ाई के लिए। अब सवाल यही उठता है कि सरकार ये सब सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्या ये मदमस्त सरकार, क्या इस सरकार के सत्ताधीश मुखिया प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? ओलंपियन बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है, पुलिस जबरन बल प्रयोग करते हुए घसीट कर उन्हें गाड़ियों में लाद कर थाने ले जा रही है, उसके बाद उनके गुहार को कोई सुन नहीं रहा है, और ये तस्वीर दुनिया देख नहीं रही है क्या हो रहा है? मांग क्या है? एक ही मांग है, मांग यह है कि प्रदूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करो। जो सांसद हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, अभी भंग हो गई, संघ भंग हो गया, और जिन पर संगीन आरोप यौन उत्पीड़न के, 7 लड़कियों की तरफ से लिखित शिकायत है जो अब FIR में तब्दील हो चुकी है, जिसमें पॉक्सो भी है। तो आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह कितने जरूरी है, सवाल संतोष दहिया ने पूछे कि ब्रजभूषण शरण सिंह में ऐसा क्या है कि पुलिस या सरकार, पुलिस के सरकारी उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार नहीं? तो इसका जवाब सबके पास यही है कि 5-7 सीटों पर उनका असर है और दबंग सांसद है और ऐसे वाले भी हैं, ये अलग बात है 36-40 सीटों में उनके नाम उनके खाते में दर्ज है, लेकिन ठाकुर नेता है, 5-7 सीट को प्रभावित कर सकते हैं। और 2024 में अभिषेक जी के 1 साल बाद, बल्कि 11 महीने बाद चुनाव है, तो प्रधानमंत्री मोदी एक भी सीट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे ये बेटियां लाठी खाएं, चाहे धरना पर बैठे, चाहे रोए, चाहे गुहार लगाएं, चाहे घसीट कर उन्हें गाड़ियों में लाद दिया जाए, चाहे थाने पहुंचा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब तो यही हुआ संतोष दहिया जी। सर बिल्कुल यही हुआ। अब मुझे लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि आखिरी कील गाड़ दी गई है, जिस तरह से इन बच्चियों को घसीटा गया है, जिस तरह से आज बर्ताव किया गया है, उसके बाद हम सोच नहीं सकते कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार के अगेंस्ट कहीं खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है, और खासकर लड़कियां। सर ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं कि बलात्कार किया गया है, अभी भी बलात्कार हो रहा है उसका, लेकिन लोगों के सामने बताना मत, मेरे माँ बाप के सामने मत बताना, पुलिस में नहीं बताना। सर लड़कियां इस लेवल तक डरती हैं समाज से, अपने माँ बाप से, कि मतलब बलात्कार होने तक की बात वो नहीं बताना चाहती, वो केवल इतना चाहती है कि मेरा छुटकारा हो जाए किसी तरह, ये आगे मेरे से ऐसा ना हो, बस इसके लिए कोई जुगाड़ आप कर दो। सर ऐसी भाषा का प्रयोग लड़कियां मेरे साथ आकर करती हैं, ये मैं सच्चाई बता रही हूं सर। और उसमें इन बच्चियों ने जो देश की
वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश का मतलब सुप्रीम पावर जिनको कहा जा सकता है। सर हम तो किसान, खिलाड़ी, फौज, यही हमारे लिए पावर है। सत्ता हमारे लिए कोई पावर नहीं रखती है, सत्ता में तो लोग आते चले जाते हैं। सर वो सुप्रीम पावर हमारी वो बेटियां आज चीख रही है, रो रही है, चीख रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, FIR दर्ज होगी। सर उसके बावजूद सर कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं की दुखती रग है ब्रिजभूषण के पास। नहीं तो ऐसा क्या है कि अभी भी वो एक महीने का समय मांग रहे थे? क्यों मांग रहे हैं एक महीने का समय? उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। सर ऐसे क्या ये बिल्कुल निष्ठुर लोग हैं जिनको जरा सी अपनी बेटियों के लिए उन आंसुओं की तकलीफ दिखाई नहीं देती? आज एक एक लड़की के ऊपर 20-20 महिलाएं, वो जो सिक्योरिटी वाली थी, ऐसे टूट रही थी जैसे उनको बीच से फाड़ देंगी, और उनके उठते ही उन्होंने जैसे टेंट को गिराया है, जैसे उनका सामान उठाया है, ऐसा लगता है कि सर ये तानाशाही का समय शुरू हो गया है। सच में लोग कहते थे कि समय बदल रहा है, देश बदल रहा है। सर सच में देश बदल रहा है, नहीं तो आंदोलन तो पहले भी हुए हैं। आंदोलन होते हैं तो सरकार के साथ तनातनी भी होती है, लेकिन सर संवाद कभी खत्म नहीं होता। संवाद और संवेदनाएं दोनों ऐसी चीज है जो किसी भी आंदोलन के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं। सर इनमें ना संवाद है ना इनकी संवेदनाएं हैं, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। सर ये बेटियों को जिस तरह से तड़पा रहे हैं, इनकी आत्माएं जो इनको बद्दुआएं देंगी, और ऐसी बहुत सारी बेटियों की आत्माएं इनको बद्दुआएं देंगी, तो मैं मुझे लगता है कि सर एक ना एक दिन इनको ये पाप लगेगा। मैं तो सीधी भाषा में एक बात कहना चाहता हूँ, सर ये पाप लगेगा इन लोगों को। और एक बार विनेश फोगाट को हम फिर से सुनाना चाहते हैं, क्योंकि नए दर्शक हैं। और विनेश फोगाट को जब गिरफ्तार किया गया, बस में ले जाया जा रहा था, तब विनेश फोगाट ने क्या कहा एक बार सुनिए। और तस्वीर भी दिखाएंगे हम विनेश फोगाट की, जब थाने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपराधी हो, 50 पुलिस वालों ने, जिसमें 50 महिला पुलिस की जवान थी, कांस्टेबल की, कैसे विनेश को पकड़ा। एक बार सुनते हैं विनेश फोगाट की आवाज। फुल लेके गए हैं, अभी पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं। एक्चुअल में तो हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ओखला की साइड बस मुड़ी है, इतना पता है ना, तो लिख के दे रहे हैं। और हमारा फोन और छीनने की बात कर रहे थे, हमने फोन तो दिया नहीं है अभी तक, तो फोन हमारे हाथ में है और फोन और लेने की बोल रहे थे। देश बहुत तरक्की कर रहा है, खुशी हो रही है हमें बताते हुए पूरे देशवासियों को, देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज अगर पूरा देश नहीं जागा तो कब जागेगा? देश के किसान सड़कों पर बैठ के रो के चले गए, देश के जवानों को तो बोलने भी नहीं दिया गया, वो लोग तो घुट घुट के मार दिए गए बिल्कुल। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पर बैठे थे और उनको घसीट घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बार किसकी आएगी पता नहीं है। क्या अब साक्षी मलिक या उनके परिजनों से बातचीत के बाद, या पहले तो ये बताए कि जो खापू ने अगर तय किया था आज की तारीख, कि आज हम संसद तक मार्च करेंगे या संसद पहुंचेंगे और वहां महिला पंचायत करेंगे, तो ये तो आज नहीं हो पाया, गिरफ्तारियां हो गई और होना मुश्किल था। मैंने उस दिन भी कहा था, आपसे भी चैट के दौरान कहा था, और महम में भी जिन लोगों से बात हो रही थी जब मैं शो कर रहा था, तब भी कहा था कि सरकार किसी भी सूरत में नहीं होने देगी, क्योंकि उस दिन नई संसद का उद्घाटन है, प्रधानमंत्री है, एक प्रोटोकॉल है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, नामुमकिन है, वही हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अब जो तय हुआ था आज की तारीख, उसके बाद पंचायत की तरफ से जो कोई दूसरी महापंचायत होगी, आगे की रणनीति के लिए क्या होगा? क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था, 7 मई को जो यहाँ खापों के चौधरी और किसान नेता जुटे थे जंतर मंतर पर, और 21 मई की तारीख तय हुई थी अल्टीमेटम के साथ। अब वो तारीख बीत गई, मतलब आज का दिन भी गया। अब सर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने तो ये सोचा नहीं था कि इस कदर इन लड़कियों के साथ ये लोग करेंगे। हमने ये तारीख इसलिए रखी थी कि ताकि ये लोग जिनके कान बंद हो गए हैं, शायद इस जो संबोधन था संसद का, शायद हमारी भी आवाज वहां तक चली जाए, शायद नई संसद की शर्म के कारण हमारी इन बच्चों की बात सुन ले। हमने ये दिन इसलिए रखा था, लेकिन हमें ये कतई अंदाजा नहीं था कि ये इस कदर मतलब हमारी इन बच्चियों को घसीट घसीट कर ले जाया जाएगा और हमें इस तरह से बंदी बना लिया जाएगा। सर अभी तक पुलिस है और 4 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, हालांकि धरना खत्म हो गया है, इनको घसीट के स्टेशन ये पुलिस थानों में भी ले जा चुके हैं,
लेकिन उसके बावजूद हमारे घरों में पुलिस अभी तक तैनात है और 4 बजे तक का समय है उन्होंने दिया है। सर अब तो सभी लोग, हम सभी जितने खापों के लोग हैं, जितने दूसरे संगठनों के लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होके कोई रणनीति बनाएंगे जिसके तहत सरकार से बात की जाए कि ऐसा क्या है। फिर मैं एक सवाल खड़ा कर रही हूँ, ऐसा क्या है ब्रजभूषण में जिसने 7 बच्चियों के आरोप के बाद भी जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्या है देश जानना चाहता है। इन बच्चियों का क्या कसूर है? केवल इनका कसूर इतना है कि इन्होंने केवल आवाज उठाई है और इनकी आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है। इनकी आवाज को दबाने के कारण कोई भी बच्ची उसके साथ अगर कुछ होता है तो कोई आवाज नहीं उठा पाएगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर हमारे कोई सांसद, हमारे कोई मंत्री, हमारे कोई MLA आपकी बच्चियों को घर से उठा के भी ले जाते हैं तो कभी भी न्याय की उम्मीद मत करना, क्योंकि हम न्याय नहीं करेंगे। यहां पर सर लोगों को तय करना होगा, उनको तानाशाही लोग चाहिए या उनको लोकतंत्र को बचाना है। अब सर दिशा लोग तय करेंगे, क्योंकि अब हालात देश के सामने ऐसे पैदा हो गए हैं कि लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बचाना है या हमें दोबारा से गुलामी की तरफ जाना है। एक बात बताइए संतोष जी, चूंकि हरियाणा की ये बेटियां हैं, देश की बेटी है लेकिन हरियाणा की रहने वाली है, उस वहां के स्थानीय नेता भी होंगे, बीजेपी के नेता भी होंगे, बल्कि बीजेपी का बोलबाला है, हरियाणा में सरकार भी है और सारी सीटें भी लोकसभा की बीजेपी की है, तो हरियाणा के बीजेपी के नेता, सत्ताधारी दल के सांसद, विधायक, क्या इन लोगों ने अब तक इतना कुछ होने के बाद भी अपनी तरफ से पहल नहीं की कि संवाद करें, इन बेटियों से बात करें? क्या कोई ऐसा हो कि बीच का एक संवाद का रास्ता खुले, ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है? सर हरियाणा सरकार की सुन लो, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और उन्होंने एक हमारी एथलीट है, कोच है, उसने आरोप लगाया, उसने पूरा का पूरा इतनी मेहनत करी है कि भाई मेरी बात सुनी जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सर आप उस देश के उस राजा से या उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हो जो एक बेटी आकर ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और वो कहते हैं कि मंत्री का पद नहीं जाएगा, हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तो सर क्या उम्मीद रखें हम इन लोगों से? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा कैसा शासन लागू करना चाहते हैं। सर संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात रखें, और सर ये कॉमन बात नहीं है, ये बच्चियों की अस्मिता की बात है, और ये सर उन बच्चियों की अस्मिता की बात है जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, इस देश का गौरव बढ़ाया है, जिसके लिए जब ये मेडल जीत रही थी हर कोई इनको अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे सब डाल रहे थे, इनकी फोटो डाल रहे थे, सब बधाई दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे। सर ये वो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के साथ अगर देश का कानून या देश का, देश की सरकार या देश के मंत्री या देश के विधायक ऐसा करेंगे तो सर एक कॉमन सी साधारण सी बच्ची क्या उम्मीद रख सकती है ऐसे तंत्र से? तो सर ये जो पूरा तंत्र है, जैसे मीडिया एक आवाज नहीं उठा रहा है 35 दिन से, आप जैसे लोग जो जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग जैसे बात आवाज उठा रहे हो, सर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया खुद को कहता है वो तो सर एक बात भी नहीं कर रहा, किसी आदमी की ना भूख की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं करता है जो सरकार के अगेंस्ट जाए। सर आवाज उठाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है, ये सर अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं। जिस वक्त लोकतंत्र में अगर विपक्ष को दबाया जाता है तो लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है, और सर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये अपने नेता की तो बात माने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही बात मान ले, तो आज इन बेटियों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं इनको एक बार फिर इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, एक बार तो देखें कि ये कर क्या रहे हैं। एक ऐसे सांसद को बचा रहे हैं जिसके ऊपर पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, पोक्सो एक्ट में सर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन ये उसको लगातार बचाने के लिए इनकी डिबेट हो रही है, इनके जो सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं इनके इनके इनका वर्जन जान रहे हैं, इन बच्चियों से उन्होंने आके नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर जब पहली बार ये बैठी थी, अगर प्रधानमंत्री जी इनको बुलाते और ये कहते विनेश बेटा, साक्षी बेटा, मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं संज्ञान लूंगा, तो सर ये मसला इतना बढ़ना ही नहीं था, ये बात होनी ही नहीं थी। जो आज जिस लेवल पे ये आंदोलन आ गया है ऐसा होना ही नहीं था, और सर लोगों को भी उनके प्रति संवेदनाएं बढ़ती, उनका आदर सम्मान बढ़ता लोगों के मन में,
कि भाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बेटियों ने जैसे ही आवाज उठाई उन्होंने बेटियों को बुलाया और उनकी बात सुनी और उन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन सर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? सर लोगों को ये निर्धारित करना पड़ेगा अब कि वो किस दिशा में जाना चाहते, उनको क्या चाहिए। सर हिंदू मुस्लिम करके देश को नहीं बचाया जा सकता, बेटियों को नहीं बचाया जा सकता सर, किसी का पेट नहीं भर सकते, किसी बेरोजगार को रोटी नहीं मिल सकती, ये इनको समझना पड़ेगा सर। जो मैं कई बार देखती हूँ कई लोग फेसबुक पे भी डालते हैं, अरे तुम तो मोदी के दुश्मन हो, अरे मोदी हमने ही बनाए हैं, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं वो, ये क्यों भूल रहे हो, आप अकेले आदमी ने नहीं बनाए हैं जो आप ऐसा कमेंट कर रहे हो। लड़कियों की अस्मिता के ऊपर बात होती है तो भी कहते हैं कि आप तो मोदी विरोधी हो। मैं तो हैरान हूं ऐसे ऐसे निर्लज लोग जो बेशरम लोग हैं जिनको समझ नहीं है, तुम्हारी बहन बेटी को एक बार ऐसे करके देख के देखो तो, और तब तुम बोलना कि मोदी के विरोधी हो। तो सर वैसे घटिया लोगों की प्रवृत्ति जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, मुझे तो घृणा है ऐसे लोगों से जो ऐसी बात करते हैं ऐसी, और सर ओपनली लिखते हैं, वो ओपनली लिखते हैं। सर इन बच्चियों ने सबसे पहले यही कहा कि हमारी बात सुनिए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सर ये तो ओपन भी नहीं करना चाहती थी बेचारी, इन्होंने तो पहले खेल मंत्री को बोला, खेल मंत्री से जैसे इन्होंने कहा शाम को ही ब्रिजभूषण के पास वो बात चली गई कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे ऐसे करके कोई कंप्लेंट आ रही है, बात हो रही है। तो सर आप देखिए ना क्या करेगा वो खेल मंत्री, जो उनके पल्लू से बंधे हुए लोग हैं सर, वो नहीं करेंगे ब्रिजभूषण का कुछ भी। इनको वोट दिखती होंगी सर, लेकिन अगर ये इन बात लड़कियों की बात सुनते, हमारी रेसलर जो हमारे चैंपियन है, जो हमारी शान है, जो हमारा सम्मान है, जो हमारा गौरव है सर, इनको देखकर बहुत सारी माएं अपनी बच्चियों को कहती है कि साक्षी खेल सकती तो तू नहीं खेल सकती, अगर विनेश कर सकती है मेडल ला सकती है तो तू नहीं ला सकती। सर ऐसे करके घरों से ग्राउंड में भेजा जाने लगा था लड़कियों को, लेकिन सर उनको रोकने का काम शुरू हो चुका है। वो माए अब ये कहती हैं कि इस लेवल की बेटियों की जब बात नहीं सुनी जाती तो तुम्हारी कौन सुनेगा। सही बात करें। एक बार प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया है स्क्रीन पर, मैं चाहूंगा करण अपने सहयोगी से कि फुल फ्रेम अगर दिखाएं, और समीर आत्मज वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा हैं, हमसे जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। प्रियंका गांधी का ट्वीट है स्क्रीन पर, आप जो देख पा रहे हैं दो तस्वीरें हैं, एक में विनेश और संगीता है जो जमीन पर है, उनके हाथों में तिरंगा है जिनकी गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ साक्षी मलिक उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है, भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है, ये एकदम गलत है, पूरा देश सरकार के अहंकार और इस न्याय को देख रहा है। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है जो आज तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस तिरंगे को लेकर जब ये बच्चियां मेडल जीत रही थी और हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा था, राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तो हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि काश हमारी ये बच्चियां जो आज मेडल लेकर आई हैं, इन पे हम और मेहनत करेंगे और लेकर आएंगी, और ऐसे शायद हम लड़कियों को बाहर निकालते तो पहले भी मेडल आ सकते थे, ऐसा हमने सोचा। और लोगों में बड़ा उत्साह था अपनी बच्चियों को लेकर, खासकर लड़कियों को लेकर, लोगों में बड़ा उत्साह था कि हम भी साक्षी और विनेश की तरह अपनी लड़कियों को आगे भेजेंगे। और जिन लड़कियों को अखाड़े में जाने तक नहीं दिया जाता था, उन लड़कियों को अखाड़े में भेजा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे अखाड़े नए खुले जब ये बच्चियां मेडल लेकर आई कि भाई हम अपनी लड़कियों को भी इन्हीं की तरह बनाएंगे। ये लड़कियां उदाहरण है देश की लड़कियों के लिए, और इनकी ऐसी तस्वीर सच में बहुत डरावनी है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देखकर कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को बाहर खेल के लिए निकालने की सोचेगा भी नहीं। इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। जो मेडल ये हमारी लड़कियां गिनती के तो हमारे मेडल आते हैं, वो भी बड़े कारण है, वो भी एक बड़ा डिबेट का विषय है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, वो भी डिबेट एक दिन आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये बच्चियां मेडल लेकर आई हैं, ये एक उदाहरण है हमारे देश के लोगों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए, केवल लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ये उदाहरण है। और माँ बाप ये कहते हैं कि ये लड़कियां नहीं, ये लड़के हैं, ये हमारा शान है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है, ये देश का सम्मान है। और ऐसी बच्चियों की ऐसी तस्वीर कोई सोच भी नहीं सकता
और ये तानाशाह लोग जो बैठे हैं सत्ता में, इनको ये कदापि नहीं भूलना चाहिए। इन लड़कियों से देश है, किसान से देश है, नौजवान से देश है, किसी सत्ताधारी से देश नहीं है। इन्होंने एक नया प्रारूप तैयार कर दिया है कि किसी सत्ताधारी से देश है नहीं, कदापि नहीं। लोगों से देश है, जनता से देश है, देश किसी नेता से नहीं हुआ करता। ये जो इनके दिमाग में एक मानसिकता इनकी बन गई है, उस मानसिकता को इन्हें बाहर करना होगा। और बड़ी तकलीफ है, मेरे फोन आपने देखा होगा लगातार फोन आ रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आगे क्या संतोष, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब इतना डर लोगों के बीच में पैदा कर दिया इन्होंने, लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दी इन्होंने। और ये ऐसा ही मुझे लगता है राज बनाना चाहते हैं कि लोग डरें, क्योंकि आज जो भी बोलता है उसके यहाँ ईडी और सीबीआई, सीडी और फलाना ढिमकाना ये छापे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी आदमी जब बोलता है तो बोलने से पहले 10 बार सोचता है, बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं। और ये जो आज एनजम जो आज जो लोगों में एक असहजता की जो स्थिति पैदा हो गई है, वो इन लड़कियों को देखकर वो और ज्यादा उसका रेट बढ़ेगा, लोगों में और डर की भावना पैदा होगी। जब इतने बड़े स्टार्स की बात नहीं सुनी जाती और वो भी उनको छेड़छाड़ के आरोप है, आप देखो मोलेस्टेशन के जो आरोप है वो तो कभी भी एक सेकंड में उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। अगर कोई लड़की इस तरह का आरोप लगाती है तो उन लड़कियों की पहचान तक गुप्त रखी जाती है, ताकि किसी और को ये मौका ना मिले कि इन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, अगर कोई लड़की ये बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो लोग उसे ही क्रिमिनल मानने लगते हैं, उसे ही गुनाहगार मानने लगते हैं, और लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं उनके आसपास कि तुम ही गुनहगार हो, और लड़कियां इस दबाव में रहती हैं कि वो सुसाइड तक करने का तो करती हैं। विनेश का एक तो बयान, विनेश का एक बयान मैंने देखा था, और उसने कहा कि जब हमने शुरू में खेल मंत्री को बोला और हमने जब शुरुआत करी इस बात को ओपन करने की, तो हमें दबाया गया, धमकाया गया, डराया गया, और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि हमें लगता था कि हम सुसाइड कर लें। अगर देश की ऐसी स्टार बच्चियां सुसाइड करने तक की सोच सकती हैं, तो इस न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली, पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र गुनहगार है सर। कोई इससे बच नहीं सकता, ना सरकार इससे बच सकती है, ना मीडिया इससे बच सकता है, ना समाज इससे बच सकता है, ना कार्य प्रणाली से, न्यायपालिका इससे बच सकती है। तो आज ऐसी बच्चियों की हृदय विदारक जो घटना है, जो जिस तरह से घसीटा गया इनको, उनको देखकर किसी का भी खून खोल जाएगा। जो आदमी जिनकी आंखों में कभी पानी नहीं आया, वो आदमी आज रोए हैं इनकी, इन बच्चियों की तस्वीर को देखकर।